भाइयों, यदि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से नस्लों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको अधिक आय प्राप्त होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जानकारी लाए हैं गाय की देसी नस्ल थारपारकर के बारे में, जिसका पालन कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जिस पर जानकारी दे रहे हैं थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर नीमला जोधपुर के निदेशक भरत राजपुरोहित। थारपारकर नस्ल सबसे ज्यादा गर्मी को सर्वाइव करने वाली और सबसे ज्यादा सर्दी को सर्वाइव करने वाली नस्ल है, जो पश्चिमी राजस्थान जहाँ कम पानी और कम खाना पीना मिलने के बावजूद भी ये नस्ल दूध देके किसानों का साथ दे रही है। थारपारकर नस्ल की गाय को आसानी से पहचाना जा सकता है। सफेद व स्लेटी रंग, पूर्ण विकसित माथा, कानों की तरफ झुके हुए मध्यम सींग, सामान्य कदकाठी वाली इस गाय की ऊंचाई 3.5 से 4.25 फीट होती है। वर्ष गाय का वजन लगभग 400 किलो, बैल का वजन 450 किलो होता है। इस नस्ल की जो विशेषताएं बताता हूँ, इसका लंबा गलकंबल होता है, आप देख रहे हैं। इसके कारण जितनी भी हीट आती है वो हीट ज्यादा से ज्यादा ही लेके उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको नीचे तक करती है। और दूसरी बात इस नस्ल के बारे में बताना चाहूंगा, ये मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती रहती है। अगर आप इसको सर्दियों में देखेंगे तो ब्लैक कलर में आ जाएगी और गर्मियों के अंदर सफेद कलर में होगी। तो जो ऊर्जा और जो ज्यादा टेम्परेचर मिलता है उसके ऊपर भी इसका कंट्रोल कलर चेंज के द्वारा ये कर पा रही है नस्ल। इसके अलावा इसकी हाइट कम होती है, जो दूध देने की क्षमता गांवों में नॉर्मली देखी जाती है तो 1500 से 2500 लीटर है, पर अच्छे ब्रीडिंग पैटर्न को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो दूध की क्षमता इसकी 3 से 4000 तक भी जाती है। क्योंकि जितना हम खिलाते हैं और जिस परिस्थितियों में ये नस्ल रहती है उन परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी ये गाय दूध दे रही है इस तरह की, तो ये अच्छा मौका है कि आप देसी गोवंश का फार्म अगर करते हैं और आसपास दूध की मात्रा अच्छी मात्रा में सेल होती है तो ये अच्छा फायदा है। और दूसरी बात, जब आप काम भी करें, आप अपना पैसा जो इन्वेस्ट करें वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अच्छे गाय लेने में ही करें, और गाय की दूध वगैरह सारी मात्रा चेक करने के बाद में और सारी बीमारियां भी आप अपने स्तर पर जांच कराएं तभी गाय को अपने फार्म पे लाएं। और विशेषतः कहना चाहूंगा हर 6 से 12 महीने में अपने पूरे फार्म की स्क्रीनिंग कराएं। उसमें मेन बीमारी है ब्रुशोलोसिस है, टीबी है, जेटी है, इन बीमारियों का तो कम से कम आप जरूर कराएं, जो फैलने वाली संक्रामक बीमारियां है जो फैलती है और उनसे मानव को भी जब दूध पीता तो तकलीफ होती है, तो ऐसी चीजों का आप ध्यान में रखें। तो वही चीजें हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए देसी गोवंश का काम हमेशा फायदेमंद ही है। बस आप अच्छी गाय लीजिए, अच्छी गाय लेके उनकी केयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, गाय अपने स्थान पे लाने से पहले चारे की व्यवस्था अपने खुद के स्थान पे पूरी कीजिए। भाइयों, अभी वर्तमान में आपको टेम्परेचर 50-51 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ दिखा है, तो गोमाता पूरे गर्मी के समय में थोड़ा बहुत खा के भी इस गाय लगभग 54-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकती है। और सर्दियों में भी जब पूरा ठंडा बंद जैसलमेर बाढ़ में जहाँ से बेसिकली ये मूलतः नस्ल आई है उस स्थान पे टेम्परेचर सर्दियों में भी नीचे चला जाता है, उन दोनों स्थितियों में और पानी की मात्रा भी कम से कम पी के भी दूध देती है और आज किसान के साथ में उसका साथी बन के खड़ी है। मैं तो इस थारपारकर नस्ल को किसान का साथी नहीं किसान का जीवन कहता हूँ। किसान भाइयों, गाय की थारपारकर नस्ल को आप विपरीत परिस्थितियों में आसानी से पाल सकते हैं। इसकी ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यदि आप इसकी उचित देखभाल करते हैं तो इससे और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। हमारे राजस्थान में अगर किसान सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि जैसलमेर बाढ़ में ना तो खेती बाड़ी है ना कोई चीज है, तो उसका होने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ थारपारकर नस्ल ही है। इनके गोबर से जैविक खाद उत्पन्न हो सकता है, कोई लिक्विड फर्टिलाइजर, कोई भी तरह की विडंबना और भ्रांति में मत आए, क्योंकि अगर हमारा सहारा बीमारी का कहो, सभी चीजों का कहो, तो सिर्फ देसी गोमाता ही बन सकती है। अन्नदाता